राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कार्यक्रम में उपस्थित ब्रज के पूज्य संतगण, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री में मंत्रिमंडल के और सहयोगी गण, मथुरा की सांसद बहन हेमा मालिनी जी और मेरे प्यारे ब्रजवासियों, सबसे पहले तो मैं आपकी क्षमा चाहता हूं क्योंकि मुझे आने में विलंब हुआ। राजस्थान में चुनाव के मैदान में था और उस मैदान से अब इस भक्ति वातावरण में आया हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज ब्रज के दर्शन का अवसर मिला है, ब्रजवासियों के दर्शन का अवसर मिला है, क्योंकि यहां वही आता है जहां श्री कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं। ब्रज भूमि पर ब्रजरज महोत्सव और संत मीराबाई के स्मृतियों को ताजा करने के लिए डाक टिकट और सिक्का जारी करने के उद्देश्य से आज आपका यहाँ पर आगमन हुआ है। इस अवसर पर पूरे ब्रजवासियों की ओर से मैं आप सबका, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आप सब की ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार के पर्यटक की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 9.5 वर्षों से देश ने और भारत की 142 करोड़ की आबादी ने एक नए भारत का दर्शन किया है। ये नया भारत जिसका वैश्विक मंच पर सम्मान बढ़ा है, आज जब आप दुनिया में कहीं भी जाते हैं, पूरी दुनिया पलक पावड़े बिछा करके आपका अभिनंदन करती है, तो स्वाभाविक रूप से 142 करोड़ का भारत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। आपके नेतृत्व में बन करके आज पूरी देश और पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, एक नए गौरव की अनुभूति करा रहा है। महाकाल का महालोक हो या फिर हमारा यह ब्रजभूमि, ब्रजभूमि में आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में मथुरा वृंदावन को नगर निगम का दर्जा देना रहा हो या ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से यहां के उन सभी 7 तीर्थों को विकसित करके एक नई कार्य योजना के साथ आगे बढ़ाना, मथुरा वृंदावन बरसाना गोकुल नंदगांव, इन सभी को व्यवस्थित रूप से न केवल यहां की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए उसके विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अभियान आगे बढ़ाया गया, अभी तो वृंदावन क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रख करके बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी यहां पर करने का प्रयास हुआ है। आपने योग को वैश्विक मान्यता दिलवाई और अब न केवल हमारी मथुरा बल्कि मथुरा वृंदावन और यहां के सभी तीर्थ इस श्रृंखला में पिछले 9 वर्षों से लाभान्वित होकर के इस अभियान का हिस्सा बने हैं। तो हर व्यक्ति जान रहा है जो कभी नहीं हो सकता था वह भी आपके नेतृत्व में होकर के
22 जनवरी का इंतजार भी कर रहा है।